छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। मंत्री कवासी लखमा के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई। मंत्री ने 3 महीने में मांग पूरी करने का आश्वासन यहां पर हड़ताली कर्मचारियों को दिया। तो मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रवक्ता सूरज सिंह का बड़ा बयान, आश्वासन के आधार पर हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं, मांग पूरी न होने पर फिर से करेंगे हड़ताल। नियमितीकरण की मांग को लेकर 66 दिनों से हड़ताल ये कर रहे थे मनरेगा कर्मचारी संघ ने। News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का आभार भी जताया मनरेगा कर्मचारी संघ ने किया। News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर का सम्मान, हमारे संवाददाता सत्या राजपूत का सम्मान यहां पर किया गया। तो मनरेगा कर्मचारियों के मांगों को सरकार तक पहुंचाने पर यह सम्मान दिया गया, लेकिन ये तस्वीरें, अब हड़ताल स्थगित हो चुकी है। पिछले 66 दिनों से यह हड़ताल यहां पर चल रही थी। तो मंत्री ने इनको आश्वासन दिया कि 3 महीने में मांग पूरी होगी, जो मांग लेकर पिछले 66 दिन से ये प्रदर्शन कर रहे थे। अब 3 महीने का वक्त यहाँ पर मंत्री कवासी लखमा ने मांगा, और उसके बाद अगर बात नहीं बनती है तो फिर से ये कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, ये कहना है कर्मचारियों का। दो तस्वीरें, तो मनरेगा कर्मियों की हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है। 3 महीने का वक्त यहाँ पर कवासी लखमा ने लिया। मंत्री गंभीर है, इन लोग का सबसे बड़ा मांग है निमितकरण नहीं, इनको सुरक्षा गारंटी। हम लोग सरकारी नौकरी कर रहे तो सरकार इनको गंभीरता से देखे। दूसरा नंबर मांग है, उनको हम सीएम के साथ हमारे सरकार के साथ रखेंगे, और 5-6 महीने के बाद हम लोग इसका कमेटी गठन किया हमारा सरकार ने, उनको गंभीरता से देखने का कोशिश जरूर करेंगे। ये गांव के बच्चे हैं, गरीब घर से आए हुए बच्चे हैं, ये बड़े घराना के बच्चे नहीं है। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का नंबर वन मुख्यमंत्री है, गरीब लोगों का बात को जरूर सुनेगा। और हमारी जो 2 सूत्री मांगे थी उनको उजागर किया। मैं आपके पूरे सत्या भैया को, उनकी कैमरामैन टीम को बधाई देता हूँ कि पूरे आंदोलन में हमारे साथ डटे रहे। मांग तो हमारी नियमितीकरण है जो सरकार की घोषणा पत्र में है, उस मांग पर हम आज भी कायद हैं। ये तो केवल एक सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े और आंदोलन अच्छा सा हुआ, एक सहमति है मुझे लगता है, और मांग हमारा एक ही है, नियमितीकरण जो जारी रहेगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की, चूंकि अभी आप लोग आंदोलन को स्थगित किए हैं, खत्म नहीं किए हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री हमारे मंच पे आए हुए थे, उन्होंने 3 माह का समय मांगा है, उन्होंने हमारे मांगों पे अपनी सहमति जाहिर की है, और माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी की भी सहमति है। तो 3 महीने का समय अभी हम सरकार को देंगे, और मुझे विश्वास है कि इन 3 महीनों में हमारी मांगें पूर्ण हो जाएगी। भूपेश है तो भरोसा, और